उत्तर भारत में कड़ी सर्दी झेल रहे लोग अभी और सर्द मौसम झेलने के लिए तैयार हो जाएं। खासकर पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड बढ़ने वाली है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी में यहां अगले कुछ दिनों में शीतलहर नहीं बल्कि ज्यादा गंभीर शीतलहर के हालात बन सकते हैं। दिल्ली NCR में ठंड का प्रकोप और तेज होने वाला है क्योंकि यहां भी अगले कुछ दिनों में झमाझम बारिश की संभावना है। बारिश के चलते मौसम और सर्द हो जाएगा। बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने की भी संभावना जाहिर की गई है। मौसम एजेंसी स्काईमेट ने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि के तहत उत्तरी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में शीत दिवस से लेकर गंभीर शीत दिवस की स्थिति जारी रह सकती है, यानी कि सीजन का सबसे ठंडा दिन हो सकता है। उत्तर प्रदेश में तो कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। एजेंसी कहती है कि पूर्वी राजस्थान में एक या दो स्थानों पर शीतलहर की स्थिति की संभावना है। दिल्ली NCR के मौसम की बात की जाए तो स्काईमेट कहती है कि बीते गुरुवार दिल्ली के लिए बहुत ज्यादा सर्द रहा। यहां सफदरजंग क्षेत्र में अधिकतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान भी 7 डिग्री सेल्सियस था। एजेंसी के मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली NCR के लोग जमा देने वाली सर्दी के लिए तैयार हो जाएं। 9 जनवरी को दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बारिश होगी। 11 जनवरी के बाद ही राहत मिलने की कुछ उम्मीद है।